फ्रेंड्स, ये जो बंदा आपको जो दिख रहा है ना, इस बंदे ने मेरे से फोन पे के थ्रू फ्रॉड किया है। कैसे फ्रॉड किया है सारा कुछ मैं आप लोग को इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा एक ऑफिस है, उस ऑफिस में ये आया और इसके पास कोई चोरी का मोबाइल था या फिर हैक किया होगा कोई ऐसा मोबाइल था, ठीक है। तो इसने क्या है, मेरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, फ़ोन पे के थ्रू। इसने एक बार 25,000 कर दिया, एक बार 10,000 किया, एक बार 5,000 किया और एक बार 400 रुपये किए। या इसने कितना ट्रांसफ़र किया, 40,400 रुपये इसने मेरे मुझे ट्रांसफ़र किए और मैंने इसे कैश पैसा निकाल के दे दिया। सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा और वो रिकॉर्डिंग में बताऊंगा कि किस कैसे मैंने इसको पैसे दिए। सारा कुछ मेरे ऑफिस में है, कैमरा लगा हुआ है ऑफिस में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, कभी भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी को भी फ़ोन पे के थ्रू पैसे मत दीजिए। और ये बंदा अभी कटनी के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है, ये बंदा कटनी के आसपास घूम रहा है और ये फ्रॉड कर रहा है। और मेरा तो फ्रेंड्स जो बैंक अकाउंट है वो लॉक हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। साइबर सेल ने मेरा जो खाता है वो लॉक कर दिया है, वो भी कहाँ पर, महाराष्ट्र में किसी साइबर सेल ने मेरा खाता लॉक कर दिया है। मैं उस खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे लोगों की वजह से, ठीक है। देखिए, हम तो ऑफिस वाले हैं, हम तो काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बंदा मेरे पास आया, इसने बोला पैसा दे दो मेरे को, तो मैंने इसको पैसा निकाल के दे दिया। अब वो जो मेन वाला बंदा था जिसके जिसका जेन्युइन अकाउंट था वो, तो उसने मेरी कंप्लेंट डाल दी है और साइबर सेल ने मेरे खाते को ब्लॉक कर दिया है। तो मैं जब बैंक गया था तो मुझे पता चला। और फ्रेंड, इसने ये 25 तारीख को किया है मॉर्निंग में 10 बजे, 25 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे, यानी इसी महीने में, यही 25 जून 2024 को सुबह 10 बजे आया, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसा ही केस मेरे साथ 2 साल पहले हो गया था, 15,000 का सेम ही केस था, सेम नहीं, थोड़ा सा वो डिफरेंट था। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज़रूर देखना उस वीडियो को, ठीक है। और देखिए, मेरा जो न्यूज़पेपर में मेरा ये देखिए निकला हुआ था, ये मेरे ही शॉप का है, देखिए इस तरीके का निकला हुआ था कि वो बंदा तो पकड़ गया था, कुछ ही दिनों में वो पकड़ गया था, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें निर्दोष साबित हुआ था। ये देखिए पूरा न्यूज़पेपर में सारा, इसको पढ़िए पढ़िए आप, कैसा लगे, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको फिर पढ़िए तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, आपके साथ ये हुआ था। और फ्रेंड्स, ये मेरा मेरे साथ दोबारा इसी तरीके का केस हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे को समझ में नहीं आता है ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, बताइए। फ्रेंड्स, हम लोग तो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन पता नहीं ये किस तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके का केस करते हैं मेरे ऑफिस में। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये कब आया और इसने सारे ट्रांजेक्शन में इसको दिखाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं निर्दोष हूँ। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है, तो आप बताइएगा कि मैंने इसको कब कैसे पैसे दिए। सारा कुछ मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सीधा मैं वो कैमरा दिखा देता हूँ जब ये बंदा आया था ना, ठीक है, तो पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो चलिए सीधा कैमरे की तरफ चलते हैं। कैश कितना तक दे पाओगे? 50-60 हज़ार तक दे पाओगे? चार्ज ले लो। कैलर दीजिए। मेरे को चाहिए तो एक कर 50,000 रुपये 60 कर दो ना। 60 चार्ज कितना दे? अरे तो पहले 50,000 रुपये चार्ज साइज बताओ ना, कर देते 500। आपको पैसा भेजना है? मर्चेंट नहीं है क्या? पैसे लिमिट हो गए क्या? बता लिमिट तो आपकी खत्म। हाँ, मेरी लिमिट ना, आपकी लिमिट खत्म। हाँ, मर्चेंट में चला जाएगा। मर्चेंट मोबाइल नंबर डाल दो। बताइए। 9 7 1 2 अकाउंट में डाल दो।
नेट बैंकिंग नहीं है तो बराबर ही फोन पे तो अकाउंट का लग रहा है मशीन नहीं करते हैं क्या मतलब है? अरे मर्चेंट वाले जो स्कैनर 25,000 गया आगे मोबाइल नंबर है आपकी मतलब मोबाइल नंबर है चार्ज भी कर दिया चार्ज 7831 जल्दी कर दो ऑटो नहीं हो गया
एक चार्ज तो आया है, टोटल 40,400 कर दिए, 440 दोस्तों देखिए, यही वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रांजैक्शन के, ठीक है, जब ये आया था ना तब। तो दोस्तों मैं सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए एक बार इसने 25,000 रुपये किए, ठीक है, उसका ये है। देखिए 10 बजे इसने किए थे, ठीक है, और आपने कैमरे में देखा होगा ये 10 ही बजे मेरी शॉप में आया था, ठीक है। देखिए एक बार ये 10,000 कर दिए, ठीक है, एक बार 25,000 किए, एक ये 10,000 कर दिए, ठीक है। अब एक बार इसने ये देखिए 5,000 कर दिए, ठीक है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, ये 10 बजे आया था, और ये देखिए एक बार ये कर दिए। तो इसने मेरे को टोटल 40,400 रुपये किए थे। और फ्रेंड्स इसने मेरे को 26 तारीख को देखिए कॉल भी इसने किया था। इसने मेरा मोबाइल नंबर ये कब लेके चला गया मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मेरी शॉप में मोबाइल नंबर मेरा लिखा हुआ है बाहर, ठीक है। ये इसने मेरे को वीडियो कॉल किया था, सॉरी वीडियो कॉल नहीं, वॉइस कॉल किया था व्हाट्सअप में। और ये मेरे से उसने 26 तारीख को फिर इसने मेरे से बोला कि भैया और कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दोगे क्या। और देखिए जब मैंने इससे अपना आधार नंबर मंगाया, मैंने बोला कि आप अपना आधार नंबर मेरे को दीजिए, तो देखिए इसने मेरे को अपना आधार नंबर बताया, कोई आशीष कुमार पांडे के नाम से ये फ्रॉड चल रहा है ये। और हो सकता है ये आधार नंबर भी इसका ये गलत हो, आशीष कोई कुमार पांडे इसी नाम से पेमेंट भी आई थी, ठीक है, इसी नाम से पेमेंट भी आई थी। और मैंने आपको इसका तो स्क्रीनशॉट दिखा दिया है अपना फ़ोनपे का, देखिए ये चैटिंग है इसकी, ये चैटिंग है इसकी, ये देखिए ये है, ये है उसका नंबर, ठीक है, कोई आशीष कुमार पांडे के नाम से ये फ्रॉड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी वो भी दिखा देता हूँ कि ट्रांजेक्शन क्या। अब देखिए ये मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग का ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसने ये एक ट्रांजेक्शन किया इसने 25 तारीख को, ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन इसने किया था 25,000 का, ठीक है। सारी डिटेल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें कोई भी डाउट ना हो। और ये मेरे साथ फ्रॉड करके गया है और फंस मैं गया हूँ, साइबर सेल ने मेरे को फंसा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा है डायरेक्ट मेरे खाते में आया है ना। एक बार ये इसने 25,000 किया है और एक बार इसने ये 10,000 किया है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये दूसरा ट्रांजेक्शन है इसका। टोटल इसने 4 ट्रांजेक्शन किए थे, ठीक है, ये तरह डेट वाइज मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 ट्रांजेक्शन हो गए, देखिए तीसरा ट्रांजेक्शन ये है इसका, ठीक है, ये इसने किया था, कोई आशीष कुमार पांडे के नाम से है और उसी नाम का ये आधार कार्ड भी इसने बनाया हुआ है, रखा हुआ है, जो अभी मैंने पीछे पीछे आपको दिखाया था, ठीक है। और देखिए चौथा ट्रांजेक्शन ये है, ठीक है, 40,400 रुपये इसने मेरे को सेंड किए थे मेरे स्कैनर में, ठीक है, जो QR कोड होता है ना फ़ोनपे का, और मैं फंस गया हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, साइबर सेल ने मेरे को फंसा दिया है, लेकिन मैंने इसको कैश दे दिया है, आपने तो देख ही लिया है मेरे कैमरे में, ठीक है, सारा कुछ मैंने बता दिया है आपको। देखिए इस तरीके से ये फ्रॉड कर रहे हैं इन लोग। तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि मैं तो फंस चुका हूँ, अब कैसे क्या सॉल्यूशन होगा इसका अब मैं भी नहीं जानता हूँ। हो जाए सॉल्यूशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके साथ भी ये हुआ है, ठीक है, उसको तो मैं ये उसकी ज़रूर मैं हेल्प करूँगा, और मैं उसके कांटेक्ट करने की कोशिश भी करूँगा कि कभी उसके और उसका पैसा रिटर्न मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने तो उस बंदे को 40,000 रुपये कैश दे दिया था जो फ्रॉड जिसने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, देखिए आप। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि मैं आप लोग को जागरूक कर सकूं। क्या है, मेरे ऊपर ये साइबर सेल ने जो कंप्लेन डाल दी है कि मैंने इनका पैसा लिया है, मैंने नहीं लिया है पैसा, आप लोग ने वीडियो में देख ही लिया है, ठीक है, कब ट्रांजेक्शन हुआ और कितने बजे मेरे पास आया, ठीक है, सारा कुछ मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी आपकी शॉप में आए, आपके ऑफिस में आए, या कोई रोड में मिले, कभी भी बोले कि मैं आपके खाते में पैसा भेज देता हूँ कि आप मेरे को कैश दे दोगे क्या, बिल्कुल मत दीजिए फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बिल्कुल मत दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है ये, ठीक है। मेरे से ये गलती हो चुकी है कि मैंने उसको मैं जानता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसका पैसा ले लिया और मैं इस समय फंस गया हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी जागरूक हो सकें। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।